हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी कंट्रीज की इमिग्रेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थे आपका आज फिर स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे चैनल को देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरी नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस फॉर मेडिकल पैरामेडिकल प्रोफेशनल इन फॉरेन कंट्रीज। इनके लिए क्या क्या ऑप्शन है फॉरेन कंट्रीज में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने ये चैनल के थ्रू। सबसे पहले जो मेडिकल प्रोफेशनल है, जिसमें MBBS है या वेटनरी डॉक्टर्स हैं या BDS है या फिजियोथेरापिस्ट हैं या BMS है या BHMS हैं, इनके लिए फॉरेन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वहाँ पे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। और साथ में जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिसमें नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं या लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ कंट्रीज़ में। सबसे पहले मैं कंट्रीज बताऊंगा जहां पर वो जाकर अपनी फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, वहां जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो कंट्रीज हैं आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, UK, स्पेन, इटली और साथ में बहुत सारी रशियन कंट्रीज। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं इन प्रोफेशनल के लिए जो भी हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल हैं। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। तो इन जो भी मैंने कंट्रीज बताई हैं, अगर आपके पास ये मेडिकल और पैरामेडिकल जो भी मैंने प्रोफेशनल की कोई भी डिग्री है, चाहे वो आप डॉक्टर्स हैं MBBS, चाहे आप वेटनरी डॉक्टर्स हैं, चाहे आप BDS हैं, तो वहाँ पर जाके आप किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी जॉब ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जॉब असिस्टेंस। आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद हम कुछ कंट्रीज में जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं मेडिकल और पैरामेडिकल जो प्रोफेशनल हैं। और साथ में जो थर्ड वन है फर्दर स्टडीज, जैसे किसी ने यहाँ पर MBBS की हुई है, वो आगे जाकर MS या MD करना चाहता है या MDS करना चाहता है, किसी भी प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन में मास्टर डिग्री करना चाहता है, वो भी हमारे पास ऑप्शन है जो भी मैंने कंट्रीज बताई हैं। तो साथ में जो नर्सेज हैं, नर्सेज भी जो नर्सेज हैं या फार्मासिस्ट हैं या लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, उनके लिए भी फर्दर स्टडीज़ के ऑप्शन हैं हमारे पास जो मैंने कंट्री अभी डिस्कस की थी। और साथ में जो फोर्थ ऑप्शन है, अगर आपने जॉब नहीं करनी तो आप हाउ यू विल स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस इन स्पेसिफिक कंट्रीज, तो वहाँ जाने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर या एज ए पैरामेडिकल स्टाफ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जर्मनी के बारे में और ऑस्ट्रिया के बारे में। तो जर्मनी जो ऑस्ट्रिया है, वहाँ पे जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की काफ़ी डिमांड है, आइदर वहाँ पर वो फर्दर स्टडीज़ के लिए आए या वहाँ आकर अपना एज ए रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो जितने भी जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल हैं, उनको एटलीस्ट वहाँ पे जो डच लैंग्वेज है, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज कहते हैं, उसका एग्ज़ाम पहले क्लियर करना पड़ता है। जैसे मैं बताऊं, इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं A1 लेवल से लेकर C1 लेवल तक के एग्ज़ाम्स हैं जो कि डॉक्टर्स को क्लियर करने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही इजी है, कोई इतने टफ नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं MBBS जिन्होंने यहाँ पे की हुई है इंडिया से या किसी भी फॉरेन कंट्रीज में, दोज आर लुकिंग टू सेटल इन जर्मनी एज ए डॉक्टर, तो उनको वहाँ पे जर्मनी लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है एटलीस्ट B2 लेवल तक। A1, A2, V1, B2 लेवल, ये जो एग्ज़ाम है ये क्लियर करने पड़ते हैं। तो जो ये A1 लेवल, A1 से लेकर A2 लेवल है, जो हमारा जो IELTS है, IELTS इसको कहते हैं, वो 4.5 से 4 से लेकर 4.5 के इक्वलेंट है। अगर B1 और V2 लेवल का जो बच्चा क्लियर कर लेता है, वो 5 से लेकर 5.5 तक है। जो C1 से लेकर आगे C2 तक है, वो आप 6 से लेकर 7 IELTS के बैंड के इक्वलेंट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एग्ज़ाम भी जो जर्मनी लैंग्वेज है वो भी इतनी टफ नहीं है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद डॉक्टर को वहाँ के कुछ लोकल एग्ज़ाम्स हैं क्लियर करने पड़ते हैं, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। जिसके मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है, ऑब्जर्वरशिप चाहिए होती है, उसमें हम असिस्ट करते हैं। तो इनको क्लियर करने में हमारी जो कंपनी है, डॉक्टर्स और मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशनल हैं, उनको हेल्प करती हैं। जैसे कि अब्रोवेशन एक वहाँ का लाइसेंस है जर्मनी में, वो लेना मैंडेटरी है वहाँ पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है। तो उसको लेने के लिए मैंने फिर बताया कि आपको अपनी लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और साथ में
वहाँ के जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसमें हम फुली असिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे साथ वहाँ की कुछ एजेंसीज हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेडिकल और पैरामेडिकल को डील करती हैं, तो उनसे हमारा टाई अप्स है, हम आपका वहाँ पे एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। चाहे आप अपना जो लैंग्वेज एग्जाम है यहाँ इंडिया से भी क्लियर करके जा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने वो एग्ज़ाम जाकर वहाँ क्लियर करना है तो उसमें भी हम पूरी हेल्प करते हैं। तो इसके बाद मैं हम बताएं कि हम क्या क्या हेल्प करते हैं, आप ने अगर मेडिकल प्रोफेशन में बाहर जाना है, जो भी मैंने अभी कंट्रीज़ आपको बताई थी, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो ऑस्ट्रिया है, चाहे वो पुर्तगाल है, चाहे वो यूके है, चाहे वो रशियन कंट्रीज़ है, तो कुछ कंट्री में जितने भी फर्दर स्टडीज़ हैं इंग्लिश मीडियम में है, कुछ कंट्रीज़ में वहाँ की जो फर्दर स्टडी है उनकी लोकल लैंग्वेज में है। सबसे पहले हम बच्चे का वहाँ पे एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज प्रोग्राम में हो, चाहे वो उसका आगे उसने एमएस करनी है या एमडी करनी है, चाहे उसने फर्दर स्टडीज़ करनी है, उसमें ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसके बाद उसकी अकोमोडेशन की हम पूरी प्रॉपर हेल्प करवाते हैं, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज को किस तरीके से बच्चा क्वालिफाई कर पाए, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बारे में सारी की सारी अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशनल हैं उनकी जो स्टडीज़ हैं, सबसे पहले उसको स्टडीज़ को क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज करवानी पड़ती है उनकी स्पेसिफिक जो बॉडीज़ हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, उसकी हम रिकॉग्नाइजेशन करवाते हैं। तो उसके बाद जो वहाँ के लोकल एग्ज़ाम्स हैं उनमें हम हेल्प करते हैं, जैसे वहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एग्ज़ाम हो गया, ऑब्जर्वरशिप हो गई, कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाकर डॉक्टर्स को कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या फार्मासिस्टों को या नर्सेस को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, उसमें हम पूरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जिन्होंने यहाँ से MBBS की हुई है वो फर्दर स्टडीज़ देख रहे हैं आगे MS, MD, तो हमारे पास कुछ कंट्रीज़ हैं दोज आर प्रोवाइडिंग द MS एंड MD प्रोग्राम इन देयर लोकल लैंग्वेज। जैसे रशिया, अगर कोई भी बच्चा रशिया से अपनी MBBS पास कर, रशियन किसी भी कंट्री से MBBS पास की है, वो आगे MDS, MS करना चाहता है, या आगे फर्दर किसी भी टाइप की स्टडीज़ लेना चाहता है, तो हमारे पास कुछ कंट्रीज़ हैं जो प्रोग्राम ये MS और MD का प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल की है, जो आपने MD और MS करनी है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे GNM की हुई है, आगे आके आपने पोस्ट BSc करनी है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हम पोस्ट BSc के लिए कुछ कंट्रीज़ में भेजते हैं, जैसे पुर्तगाल है या स्पेन है। और इसके अलावा अगर आप पुर्तगाल में चले जाते हैं, पुर्तगाल से UK में ट्रांसफ़र होना मेडिकल प्रोफेशनल के लिए इट इज़ सो ईजी। अगर आपने UK से ही फर्दर स्टडी करनी है अपनी MS या MD या नर्सिंग, उसके लिए IELTS होना मैंडेटरी है, 6.5 IELTS चाहिए। अगर जर्मनी में करनी है तो मैंने आपको फिर बताया कि आपके पास डच लैंग्वेज यहाँ से करके भी जा सकते हैं, या वहाँ जाने के भी बाद भी कर सकते हैं। तो लास्टली मैं फिर बताऊँगा कि अगर आपने किसी ने भी मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशन में कोई भी डिग्री गेन की हुई है और आप अपना फर्दर प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आप इमीडिएटली हमारे जो वर्ल्ड वाइड ऑफिस है वहाँ पर संपर्क करें, या अपना अपडेटेड CV जो हमारे ईमेल चल रहे हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर भेजें, ताकि हम इमीडिएटली आपको असेसमेंट करके भेज पाएं कि आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो साथ में हम MBBS के भी एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपका बजट कितना है उसके अकॉर्डिंग हम कंट्री सजेस्ट करते हैं कि आपको हम रशियन कंट्रीज़ में भेजें, या एशियन कंट्रीज़ में भेजें, या यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजें। अगर आपने MBBS के लिए भी किसी भी कंट्री में एडमिशन लेना है, तो हमारे जो वर्ल्ड वाइड ऑफिस है वहाँ पर संपर्क करें। थैंक यू।